बालाघाट के उकवा में संचालित हो रही आवासीय एकलव्य विद्यालय में अध्ययनरत कक्षा सातवीं की छात्रा कुमारी प्रीत मरकाम की मौत होने से परिजन सहित वहां के छात्र छात्राओं में गुस्सा पनप गया, जिन्होंने स्कूल प्रबंधन पर लापरवाही व बीमार होने के बाद भी छात्रा को छुट्टी नहीं देने का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए धरना प्रदर्शन किया। आरोप है कि कुमारी प्रीत मरकाम कुछ दिनों से अस्वस्थ चल रही थी, जिससे वह अपने घर जाने के लिए छुट्टी मांग रही थी, परंतु सहायक प्राचार्य विजेंद्र मेक्षराम ने उस छात्रा को छुट्टी नहीं दी। जब छात्रा की ज़्यादा तबीयत खराब हो गई तो उसे 16 तारीख में छुट्टी दी गई। इसके बाद वह घर पहुंची और 17 जुलाई को उसकी मौत हो गई। छात्रा प्रीत मरकाम की मौत से परिजनों व आवासीय विद्यालय के छात्र छात्राओं में गुस्सा पनप गया, जिन्होंने यहाँ की लापरवाही व अवकाश नहीं देने के लिए प्रबंधन को जिम्मेदार मानते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया। आरोप लगाया गया कि अधीक्षिका भी वहां पर रात्रि में निवास नहीं करती है, प्रबंधन की ओर से पर्याप्त खानपान की भी सुविधा मुहैया नहीं कराई जाती है। छात्रों के प्रदर्शन की सूचना पर बेहर SDM मौके पर पहुंचे और छात्रों व परिजनों को समझाइश दी, साथ ही वहां की समस्याओं को लेकर जांच कर आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया, जिसके बाद प्रदर्शन समाप्त कर दिया गया। सर, हम इसलिए बैठे हैं क्योंकि हमको सोचा जाता है कि हम ST के बच्चे हैं, इसलिए दबाया जा रहा है। हम आवाज़ अभी नहीं उठाएंगे तो कब उठाएंगे सर? ST के बच्चे इसलिए मतलब हमको दबाते जा रहे हैं इतनी सारी प्रॉब्लम से। एक लड़की चले गई बताओ, और कल सर कल भी बीती है एक के साथ। अगर सीरियस हो जाता तो सर क्या होता सर? इसलिए हमको कौन दबाने का प्रयास कर रहा है सर? बहुत सारे टीचर्स हैं। मेषराम सर कहाँ के हैं पता नहीं, यहीं पर यहीं से। तो आप उनके खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? उनके खिलाफ हमारी समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा, उनके खिलाफ भी कर रहे हैं सर। हमको जो चाहिए वो हमको दिलवाइए सर। यहाँ पानी की समस्या है और फिर बिजली और फिर नर्स, मोबाइल नहीं है, टेलीफोन नहीं है सर। बात कहाँ से करेंगे? तबीयत भी खराब हुई बच्चों की तो कहाँ से बात करेंगे? अधीक्षिका ही नहीं है। मेषराम सर से करे थे, हमको दबा देते थे सर। क्या कहते थे कि क्या कहते हैं ठीक है ऐसा बोल रहे हो ना तुम लोग, हम तुमको TC दे देते हैं सर। कितना TC देंगे, किस किस को TC देंगे? कोई भी बात आती है ठीक है मैं तुमको TC दे रहा हूँ, जाओ यहाँ से। अच्छा, नहीं पढ़ना जाओ। ये ऐसा देते हैं वो। हमारे साथ भी कई बार हो चुका है सर, हमने सुन लिए। बोलना चाहिए कि हाँ बालिका है तो यहाँ पे गाली ना दें, फिर भी सर हमारे सामने गाली दी गई है। क्या नाम है आपका? नाम श्याम सिंह मरकाम है। अच्छा, मैं ग्राम जैतपुरी ग्राम पंचायत पुरथुड़ से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, कैसी क्या घटना हुई? मेरी बच्ची यहाँ पर 7th क्लास में थी, 2-3 दिन तक वो बीमार रही, उल्टी कर रही थी, कोई ट्रीटमेंट नहीं किया गया। ऊपर से पानी भी शुद्ध पानी नहीं मिल रहा है, पूरे पानी की भी गंदा पानी पिला रहे हैं लोग बिना देखभाल, कोई भी तरीके से ट्रीटमेंट नहीं किया गया। लाकर हो गई और इसके बाद में घर ले जाने के बाद में माते। अच्छा, कितने दिनों से तबीयत जो है खराब? ये 2-3 दिन से लगभग डेली उल्टी कर रही थी। अच्छा, आपको सूचित किया गया था यहाँ संबंध? बहुत दिन बाद में किए, बाद में किया, ज्यादा हो गया 2 दिन बाद में मेरे को कॉल किया। अच्छा, तो आपने आके उनसे कहा नहीं कि भाई इतने दिन बाद कैसे? पर मेरे बातों को कोई ध्यान ही नहीं दिया, माइंड ही नहीं किया। सर भी नहीं थे, मेषराम सर भी नहीं थे। छुट्टी इशू करवाने गया तो जब बीमार थी लड़की तो उनको बोलना था कि नहीं सर मैं नहीं, भैया आप अपनी लड़की को ले जा लो और छुट्टी नहीं किए। अच्छा, कब डेथ हुई? मैं मतलब 14 तारीख को 5:30 बजे करीब मेरे को फ़ोन लगाए, कोई व्रत है सही का, उन्होंने फ़ोन की कि भैया आपके लड़की की बहुत हालत ख़राब है, आप ले जाने। आप लेके गए? हाँ, फिर मैं आया और फिर 5 बजे करीब यहाँ से ले जाकर ट्रीटमेंट दिया वर्मा डॉक्टर से। हम उल्टी वगैरह क्यों हो रही थी? उल्टी वगैरह क्यों हो रही थी? उल्टी पता नहीं सर, वो उल्टी भी मुझे भी समझ में नहीं आई, उल्टीच कर दी थी, बाकी बुखार उखार उतना फीवर समझ में नहीं आ रहा था। के कुछ बच्चों ने आज सड़कों पर आकर प्रदर्शन करने के रूप में विरोध यहां पर दर्शाया है। इसके संबंध में मेरे द्वारा, SDO के द्वारा, तहसीलदार महोदय द्वारा सभी ने यहां पर विजिट किया कि इनके बच्चों की समस्या क्या है। इसके बारे में हम लोगों ने बच्चों से जो जो भी उन्हें पॉइंट्स बताए उन सभी को नोट भी किया है, पंचनामा भी तैयार किए गए हैं। साथ ही साथ जो समूह यहाँ पर खाना प्रदाय करता है उनके द्वारा भी कुछ समस्याओं से अवगत कराया गया है, उनको भी नोट डाउन किया गया है। मुख्य समस्याएँ एक वार्डन को लेकर के हैं कि उनका व्यवहार ठीक नहीं किया जाता है।
एक पॉइंट जो बताया गया है वो ये है कि जो स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं मिलनी चाहिए बच्चों को, वो समय पे उपलब्ध नहीं हो पाती हैं। और तीसरा जो मेजर पॉइंट बताया गया वो ये है कि पानी को लेकर के उचित व्यवस्था यहाँ नहीं है। तो पानी को लेकर के एक पीएचई की टीम गठित की गई है जिले से, जो कि कल आके विजिट करेगी कि एग्जिस्टिंग ट्यूबवेल से अगर व्यवस्था बनाई जा सकती है तो वो बनाएंगे, अगर कुछ और अतिरिक्त ट्यूबवेल खोदने की या अन्य माध्यम से करना है तो उसको किया जाएगा। बाकी जो अधीक्षक, प्रभारी अधीक्षक को लेकर के शिकायतें की गई हैं उसके संबंध में जो कार्यालय है उसको अवगत कराएंगे और फिर तत्काल रूप से उनको वहाँ से बदलवाने का प्रयास किया जाए। सर अभी बच्चों को क्या आश्वासन दिया? बच्चों को यही आश्वासन है कि उनके जो भी शिकायतें नोट की गई हैं, हर शिकायत जो है अलग अलग स्वरूप की है, कुछ पे तत्काल एक्शन लिया जा सकता है, कुछ पे कार्रवाई करने में थोड़ा समय लग सकता है। तो बच्चों को यही समझाइश दी गई है कि अपना धरना प्रदर्शन को यहाँ पर समाप्त करें जी। उनकी जो भी कार्रवाई है हम प्रशासन उनके साथ है जी, और जो भी उनकी जेन्युइन समस्याएं हैं उसका निराकरण करने के लिए पूरा पूरा प्रयास हमारी तरफ से भी किया जाएगा और इसी कार्यालय से भी कराने का प्रयास कराया जाएगा। बच्चों का क्या कहना है इसका? बच्चे जो इनके प्रतिनिधि के रूप में प्रिंसिपल के चैम्बर में आके जिन्होंने अपनी समस्याओं को बताया गया था, तो उनको जब समझाइश दी गई थी तो वो एग्री थे कि जो बताया जा रहा है उससे वो सहमत थे कि इस प्रकार से कार्रवाई की जाएगी, तो वो संतुष्ट। बालाघाट से वीरेंद्र श्रीवास की रिपोर्ट।